अगाह करने लगा हूँ। आज का जो ब्लॉग है वो है ओरिएंट ट्रेन के बारे में। इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ओरिएंट ट्रेन पे जो डिब्बे हैं, जो बोगी हैं, वो पांच बोगियों पे मुश्तमिल है और इसके तकरीबन 26 स्टेशन है, ठीक है। और इसकी मैं आज आपको सेल करने लगा हूँ और ये ब्लॉग सारा इसी के नाम होगा। तो आपको आपने सपने से अगर सेल करनी है तो मेरे साथ आ जाए, आज ही मेरे साथ। हाँ तो स्टेशन भी आने थोड़ा ही है। टिकट घर पे कितना ज़्यादा रश है और आए मेरे साथ रहा, इतना ज़्यादा रश करते हैं कि इवन हमको टिकट लेते लेते टाइम लग जाएगा, हम मतलब घंटा तो पिता नहीं करते, 200 से ज़्यादा बंदा हो जाता है। और ये टिकट घर में जो टिकट सेल हो रही है वो है टिकट 40 रुपये की, ठीक है। आप 40 रुपये में एंड तक जा सकते हैं या बीच में भी उतर सकते हैं, तो आप किसी भी तरह के। और इसमें जो माहौल है वो बिल्कुल ऐसा जैसे आप अपने ट्रैक रूम में बैठे, इस तरह का मैं आपको आगे दूँगा। आगे बैठे अब मैं लैंड में लगता हूँ, आप देखते कब मेरी बारी आती है। अली वो टिकट मिलेगा नहीं मिला अभी तक, क्या कह रहे हैं? लाइन देखो कितनी लंबी। ओहो, ये है टिकट घर, यहाँ से टिकट मिलती है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि टिकट आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि 40 रुपये की टिकट है और के 27 ट्रेनें मुकम्मल कंप्लीट में और 26 के स्टेशन है और ये 2.5 से 3 लाख अफराद को रोज़ लेके और लेके जाती है और लेके आती है। तो 2.5 से 3 लाख रोज़ इसमें सफ़र करते हैं रोज़ाना की तादाद में। तो आप भी आएँ, आप भी आरामदेह सफ़र पाएँ। यहाँ से मिल रही है टिकट का, एक मिनट में नहीं जी, लाइन में तो हमें नहीं मिली टिकट, लाइन में तो हमें टिकट नहीं मिली, लेकिन हम ये मशीन के जरिए टिकट निकालने लगे। ये वाली मशीन है, ये देखें, और ये अली भाई जो है हमारे, ये टिकट निकलवा रहे हैं। अली भाई तो देखना था, कोई बात नहीं, कड़े मुशक्कत मेरा बिताया, जल्दी से निकाल, शुक्रिया। ए, मिल गई टिकट कि नहीं? यस बॉस, टिकट मिल गई। दिखा जरा। नाजरी मैं आपको सेल कराती हूँ। नहीं, टिकट में क्या मिला? ये टोकन मिले जनाब, ये टोकन है, ये दो टोकन दिखा जरा, एंड फोकस करके दिखा जरा। जी सर। अच्छा अच्छा, बैक साइड से? बैक साइड कुछ भी नहीं है, बैक साइड पे कुछ नहीं बना हुआ। अच्छा, इसके बाद वो फोटो जो लग रही है वो तेरी लग रही है मुझे। एंट्री हो गई है, एंट्री में जाने लगी अंदर। अब ये देखें, हम लोग अंदर जा रहे हैं और ये ट्रेन की तरफ हम जा रहे हैं। रमा दम रश बहुत ज़्यादा है। ठीक है सर, चलो चले जी। सफ़र कौन सा है? ट्रेन का जो सफ़र है बहुत आरामदेह है, आप लोग आएंगे आपको मज़ा आएगा। इस पर रोज 2.5 से 3 लाख लोग सफ़र करते हैं इस पर, और 40 रुपये की टिकट के साथ कोई महंगा काम नहीं है। बड़े आराम के साथ जल्दी से जल्दी पहुंच सकते हैं, यानी कि आधे घंटे का सफ़र आप 15 मिनट में तय कर सकते हैं, इतना मज़ेदार काम है। ये देखें आपको बाकी गाड़ी की भी सेल करा, ठीक है, आ जाए। चलें जी, हम लोग स्टेशन पर पहुँच चुके हैं जी। बात साहब एंट्री करने लगे हैं जी। चले एंट्री। जी जी, बात चले बात साहब है ना, दंड मेरे बाहर आई। ट्रेन में हम बैठ तो गए लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था, और उसके बावजूद अब ज़रूरी नहीं था कि आप बैठ के जाएं, क्योंकि बैठने के लिए हम तो नहीं आए थे ना, हम तो देखने आए थे कि ओरिएंट ट्रेन हमारी लाहौर में जो बनी और रेडी हुई है और उस तरीके से बनी है जिस तरीके से हमने सोचा, लेकिन वाकई उसी तरीके से बनी थी जिस तरीके से हमने सोचा था।
और खड़े होने के बाद ज़्यादा जो बाहर की तरफ हम जब देखते हैं तो नज़ारा कुछ और ही था लाहौर का। लाहौर तो पहचाना नहीं जा रहा था कि लाहौर बाकी, क्योंकि हम जब भी हमने सफ़र किया है तो बाई रोड किया है, तो जब भी बाई रोड हम सफ़र करते हैं तो ऊपर की चीज़ों से महरूम रह जाते हैं। तो इसमें जब हम बैठे हैं तो इन चीज़ों से महरूम नहीं थे, और जब ऊपर से नज़ारा देखा तो ऐसे जैसे एरोप्लेन पे हम सफ़र कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस तरह। और हर मज़े की बात ये कि हर एक मिनट के बाद स्टेशन आ जाता था, जब स्टेशन आ जाता था तो ज़्यादा मज़ा आता था। लेकिन ज़रा भी कोई मसला नहीं पड़ा मिसाल के तौर पर के कोई झटका वगैरह या गाड़ी कुछ अनटच कर एक दूसरे से, वो भी नहीं। तो बड़ी अच्छा एक्सपीरियंस ला के आप अगर एक बोतल या कॉफ़ी का कप वगैरह भी रख दें इस पर तो वो भी नहीं अपनी जगह से हिलेगा। तो इस तरह का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा हमारे पाकिस्तान में, इस तरह की चीज़ बनी है और बहुत अच्छा लगा है। तो इसीलिए हमने कोशिश की कि हम आवाम के साथ ये चीज़ें शेयर करें ताकि वो भी इस पे सफ़र कर सकें, और इस तरह की चीज़ें हमारे लोगों के मुल्क में बननी चाहिए, हमारे पाकिस्तान में बननी चाहिए, हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन होगा इन चीज़ों से। तो बहुत मज़ा आया सफ़र करके। तो आपका भी कभी इत्तेफाक हो तो ज़रूर आइएगा इस पे, सफ़र लाजमी कीजिएगा चाहे एक मरतबा क्यों नहीं, तो सफ़र इस पे करें तो बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत पुरसकून से, जैसे आप अपने ड्राइंग रूम में बैठे हैं, बिल्कुल ही फील नहीं हो रहा कि हम किसी गाड़ी पे या ट्रेन पे बैठे हुए हैं, या हमें इस तरह की कोई फीलिंग हो रही हो कि ज़रा भी हिलजुल का सामना, जिस तरह हम ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करते हैं अक्सर, तो वो सीन नहीं था। तो बड़ा जो हमें मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। तो काफ़ी फैमिली आई थी, बच्चे वगैरह बहुत थे डिब्बे में। तो इस तरह की मूवमेंट होनी चाहिए हमारे पाकिस्तान में। तो बहुत अच्छा लगा, कभी आप सफ़र कीजिए तो आपको भी अच्छा लगेगा हम जैसे ही। उन्होंने वाकई अंदर आ जाना, हालांकि सफर दे लिया कि आराम देगा। कैसा लग रहा सफर तेन? बहुत जबरदस्त, बिल्कुल आराम दे। दो बड़ी डिगन लगा तू, जो बनता पे ना पता इधर देखो के ना दंद मेरे ही बाहर आते कुछ नहीं बैठ के गए सीन के चलिया, जिस तरह पहुंची पिंडी रो पिट के गली, 3 घंटे च पिंडी पहुंची। ये मैं दिखाने लगूं, ये जो टिकट के बदले हमें चीज मिली है वो है, ये जो टिकट के बदले हमें चीज मिली है वो है ये टोकन। टोकन जरा गौर से देखिएगा, और ये बैक साइड से ये देखिए, ये किसी अच्छा ओरिएंट ट्रेन की इसके उसके ऊपर तस्वीर बना हुआ है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक हो गया। ये अच्छा बनाया इन्होंने वैसे, इधर से ऐसा लगता है जैसे सिक्का पाकिस्तान का, वो जो पहले कभी चलते थे ना, 1 रुपए का चलता था इस तरह का, और इसी तरह का इन्होंने बनाया है, इसको मेंटेन किया है, काफ़ी खूबसूरत बनाया है। अली भाई हो सकते हैं मेरे सामने आ जाए, इधर आ जाओ ताकि ठीक है ना, जब भी वीडियो बनाने का कोई दिन साथ ही आ जाना है। ये स्टेशन बात है ना, आपको झटके लगाते हैं ना जनाब, गिरने का खतरा होता है, दांत मेरे पहले 2 बचे हुए हैं।
गिर गए फिर से आपा भर जाना और बस और आज कड़ी मिला के नहीं आया क्यों आज मैं दूध बनना आ गया हूँ मेला लगाते लगाते मजाक करते करते हम स्टेशन पे तो पहुंच गए। फिर हमने सोचा कि नहीं एक चक्कर और लगा लिया जाए, तो हम फिर दोबारा रिपीट दूसरी टिकट ली है और उसके बाद हम दोबारा रवाना हुए वापसी की तरफ। जिधर से आए थे उधर की तरफ वापस हुए, तो वहाँ की मैंने थोड़ी सी आपको दिखाने के लिए स्टेशन की बनाई ताकि आप लोगों को दिखा सकूं। अब इस तरह करते करते बहुत मज़ा आया और हम आने जाने का सफ़र बहुत अच्छा रहा हमारा। और इस तरह का सफ़र तकरीबन हमने ये मुकम्मल सफ़र आधे घंटे में ख़त्म हो गया जितना भी सफ़र था ना, तो यानी कि 26 जो स्टेशन थे वो आधे घंटे के में 30 मिनट में ख़त्म हो गए। तो इतनी जल्दी उसने पहुंचा दिया, इतनी जल्दी हमें आने जाने, यानी कि एक घंटे में हम चले गए और आ गए एक घंटे के वक्त में। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, आप भी कीजिए। जी सफ़र का बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा आरामदेह था और इसमें साढ़े तीन लाख लोग रोज़ का सफ़र करते हैं। 5 बोगियों के मुश्तमिल है और इसकी जो टिकट है वो सिर्फ 40 रुपये है। तो आसानी से हर आदमी इसमें सफ़र कर सकता है और इस पर सफ़र करने से इतना मज़ा आता है, मज़े से मुराद के आरामदेह सफ़र इतना है कि लगता है आप अपने ड्राइविंग रूम में बैठ कर सफ़र कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा सफ़र करना और उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक टाइम से पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।